जैन साथियों, मैं डॉक्टर खलील पवार, इस वक्त हम बैठे हैं गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे, जहां आप देख सकते हैं कि लगभग 50 दिन होने के बावजूद भी किसानों को हाल चाल पूछने की सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा यहां तक नहीं पहुंचा, और धरने के 50 दिन होने के बाद भी किसान अपनी जिद पर अड़े हैं कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बीच में ला के किसानों की जो एक उम्मीद एक आश्वासन दिया था कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के हक में फैसला दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो सरकार चाहती है। 4 मेंबरों की कमेटी बनाई गई और वो कमेटी किसानों से बात करने के लिए स्थापित की गई, लेकिन उसके बाद भी किसानों ने उस कमेटी से बात करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो कमेटी में मेंबर लिए गए वही किसान विरोधी लेख लिखते हैं, किसानों का यह कहना। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका, पहले बताएं। मैं सुभाष चौधरी, NCR अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। ये जो अभी कमेटी गठित की गई थी और 4 मेंबरों की, उससे आप सहमत क्यों नहीं हुए? भाई, सहमत कौन हो जाए, कमेटी में से एक तो निकल गो, जो आज एक तो चले गया, और वो कमेटी जो कमेटी में मेंबर हैं उन्होंने जितने भी उनके लेख पढ़ी है ना, आप वो किसान और इसको जो बिल को लाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले अशोक जो है गुलाटी, ये तो मैंने और ऐसे लोग हमारे बात में खड़े कर दिए, तो ये सरकार की बहुत बड़ी सोची समझी नीति और चाल है। इस चाल में किसान नहीं आएगा, बिल्कुल दिमाग से भूल निकाल दे सरकार, इस आपकी चाल में किसान फंस जाएगा। हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने उनका पक्ष किसानों का पक्ष रहा उसके लिए तो धन्यवाद, बाकी हम इस कमेटी को मानेंगे ना। ये कमेटी में जो मेंबर हैं ये बिल्कुल किसान विरोधी मेंबर हैं, इन्होंने किसान को के जो ये बिल के पक्ष में अब से पहले कई लेख ने दे भी चुके हैं और इस बिल को बनाने के लिए इनकी अहम भूमिका भी रही है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और रहेगा, लेकिन उसके बावजूद हम सबसे ज़्यादा जो विश्वास करते हैं वो न्यायपालिका पे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक न्याय का मंदिर कहा जाता है, उसके फैसले के बावजूद भी किसान उस कमेटी को मानने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, किसान की कोई लड़ाई नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, हमारी सीधी लड़ाई है सरकार से, हमारी लड़ाई है सीधी सरकार से, कानून बनाए सरकार ने और लागू करे किसान पे, इसलिए किसान की लड़ाई सीधी सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट से बनी है वो तो इसी सरकार के नुमाइंदे हैं, इन्होंने उनके नाम दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने वही नाम रख दिए, हमारे पर थोप दिए, लेकिन किसान इस कमेटी को नहीं मानता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और ये किसान विरोधी लोग रहे हैं, तो क्या सरकार की नीति पे कोई सवाल उठता है? सरकार की तो इसकी अब सारी नीतियों पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इशारे पे है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इशारे पे नाच रही, और जबकि नाचना नहीं चाहिए, जबकि स्वतंत्र कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये स्वतंत्र है, लेकिन सरकार के दबाव में ये सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, हमें तो ये दिख रहा। यानी कि इस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं जी, और क्या कहेंगे आप भाई? जब तक ये कृषि बिल वापिस नहीं तो हम घर वापिस नहीं। लेकिन अभी जो मैं सुबह से देख रहा हूँ और सुनने में भी आ रहा है कि अब बीजेपी सरकार या केंद्रीय सरकार किसानों से बात करने की इच्छुक नहीं है, केंद्रीय सरकार का कहना साफ लफ्जों में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है, अगर किसानों को दर्द है तो उस कमेटी के सामने पेश किया जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कमेटी हमने कब बनवाई है? सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई ना, तो किसान सुप्रीम कोर्ट गया और ना ही कमेटी बनाई गई, कमेटी में वही लोग तो हैं जो सरकार के सेवक हैं, जो सरकार की बात कहते हैं। ये लोग जो ये सुप्रीम कोर्ट ने पेश किए हैं या सरकार ने? ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार में पेश किए हैं कि इन लोगों की कमेटी बना दी जावे, किसानों से कोई सलाह मशवरा सुप्रीम माननीय न्यायालय नहीं ले रहा, लेकिन जो भी माननीय न्यायालय है हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में किसानों का दर्द को सुना है। तो मैं तो अपने जो न्यायाधीश जी हैं उनसे भी एक आग्रह करता हूं कि
आपने जो पूर्व में जो भी फैसले सरकार के लिए आपने दिए हैं, सरकार अब तक उन्हें मना नहीं पाई, जैसे गन्ने का 14 दिन का भुगतान हो और जो किसानों का बकाया भुगतान है उस पर ब्याज सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भाई इस पर आप ब्याज देंगे मिल मालिकों के लिए, लेकिन उसका पालन सरकार नहीं कर पाई। पहले सरकार उसका पालन सरकार पे वो पालन करा लें और फिर हम सोचेंगे हम सरकार की बात मान लेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए किसानों के हित में, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उन्हें नहीं माना। पहला फैसला जो हो वो भी जो कमेटी गठित की है उसके बाद पूरी बीजेपी सरकार कह रही है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए कि, और उसी के चलते हुए वो किसानों को देशद्रोही, माओवादी, खालिस्तानी बहुत सारे नाम दे रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई जिसके लाठी भैंस उसी की, भैया जिसके हाथ में लठ मौजूद हो कुछ ही कहने लगो, उसे कोई यूँ तो कहने वाला नहीं। भाई तेरे मुंह में क्या दांत है? किसान तो कमज़ोर है, अंधाता है, अपनी बात लेकर आया। चुनी हुई सरकार जो किसानों की चुनी हुई सरकार है उसके पास आया है, उससे ये बूझने के लिए आया कि भाई हमने आपको वोट दी थी, हमारी आप बात क्या मान रहे हैं? लेकिन वो बात हमारी नहीं, वो सरमायादारों की बात मानते हैं जिनसे पैसा लेते हैं, जिससे सरमायादारों से पैसे की फंडिंग होती है चुनाव में, उनकी बात मानने की तैयार नहीं, अन्नदाता की बात नहीं मानेंगे वो। और आगे जो भी निर्णय हमारे राकेश टिकैत जी करेंगे या जो किसान समन्वय समिति करेगी उसका फैसला हम सर्वसम्मति से मानेंगे। अच्छा, ये जो तीनों कानून हैं सरकार ने साफ लफ्जों में इन्हें वापस करने से मना कर दिया। सरकार बार बार संशोधन की बात करती है, लगभग 9 या 10, 8-9 वार्ता हो चुकी हैं। 8-9 वार्ता में एक ही बात है कि हम संशोधन करेंगे। पहली बार भी उन्होंने वही बोला था और 9वीं वार्ता में वही बोला कि हम संशोधन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी जिद पर अड़े हैं कि तीनों कानून वापस होना चाहिए और सरकार अपनी जिद पर अड़ी है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक मतलब हमारी मांग नहीं मंजूर होगी। नहीं, लगभग 50 दिन में आपकी मांग मंजूर नहीं हुई? जैसा ही जिनकी भी ना हुई हो मर जाएंगे, नहीं तो हट के नहीं जाएंगे वापस। आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानने, क्या इससे नाराजगी जाहिर करे? सुप्रीम कोर्ट की तो हम जब हम सुप्रीम कोर्ट में हम गए नहीं तो हमारे पे क्यों खमाखा वो दबाव? लेकिन आपने इंतजार तो किया ना उनके फैसले का। जब हम गए नहीं तो हम इंतजार कैसे करें? आपकी तरफ से एडवोकेट भी थे? हमारे कोई एडवोकेट नहीं थे। HS फुल को आपका ही एडवोकेट था? हमने मुकदमा जीता। हम मतलब हमारी तो लड़ाई मतलब इस तरह केंद्र सरकार से, हमारी तो लड़ाई इस तरह ही नहीं कोर्ट से, तो हमें कोर्ट से क्या लेना देना। तो ये कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद भी किसानों में एक उत्साह था कि हो सकता है कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने भी वही किया जो सरकार कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई कोर्ट भी सरकार का ही है, सब इनके प्रेशर में है। मतलब बात ऐसी है, कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया था कि किसान का पेमेंट 14 दिन में कराया जा और जो 14 दिन में ना होता हो तो किसान को ब्याज दे दिया जा, लेकिन हमारा पेमेंट 14 महीने में भी नहीं हो रहा। जब जो है इन्होंने नहीं मानना, हमको करमान लगे कोर्ट का फैसला, कोर्ट रद्द कर दो इन कानून को, हम उठ कर चले जाएंगे। तो ये बदले की लड़ाई है कि उन्होंने आपने नहीं माना तो उन्होंने नहीं माना आप भी नहीं मानेंगे? बदले की नहीं, किसान स्वाभिमानी है, अपने स्वाभिमान के लिए जीव है सब। हम जो है किसान कौम एक ऐसी है अपने स्वाभिमान के लिए जान दे देगा, एक चीज की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पे वहाँ खामा खा थोपी जा रही, हम उसे स्वीकार नहीं करते। 26 जनवरी की बजाय चाहे 15 अगस्त भी आ जाओ, अभी हम यही मनावेंगे। यानी कि धरना लंबा चलेगा? हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, ये अनिश्चित काल धरना हो गया, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये दिल्ली की काली सड़क है ना, अगर खून से अपने से ये भी लाल करनी पड़ी तो हम जिब भी पीछे नहीं हटेंगे, हम बलि देने को तैयार है। ये जो धरना है अभी तक हिंसात्मक नहीं रूप नहीं लिया, ये बिल्कुल जो अहिंसा से चल रहा है, बिल्कुल बड़ी शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद 26 जनवरी को आपके परेड में जाने की तैयारी है, हर बॉर्डर से किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगा, आपको लगता है कि ये दिल्ली सरकार आपको अंदर आने देगी? भाई सरकार को हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार है संविधान के मुताबिक अपनी परेड में जाने का, क्योंकि वह देश की परेड है, संविधान की परेड है।
हम इसमें जाने से बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, किसी भी तरह नहीं रुकेंगे। हम अपने स्वाभिमान के लिए जी रहे, स्वाभिमानी है हम, भारत के नागरिक है। क्या सरकार का ही स्वाभिमान है? इस भारत की जनता का कोई स्वाभिमान नहीं है, किसान का कोई स्वाभिमान नहीं है। सरकार कह रही है, सरकार के साफ लफ्जों से स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर 26 जनवरी को किसान जो दिल्ली के अंदर घुसेंगे और कोई हिंसात्मक कार्रवाई होती है किसानों को या किसी को भी नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार की जिम्मेदारी है ये, सरकार जिम्मेदारी लेगी इसकी, हर सूरत में सरकार को लेना पड़ेगा इसकी जिम्मेदारी। इसीलिए तो आपको रोकने की कोशिश करेगी। क्यों रोक रही है हमें रोकने का मतलब क्या है? हम इन्हें भी तो रोक सके, सरकार को भी तो रोक सके। हम भारत के नागरिक नहीं है क्या? वे ही भारत के नागरिक है, नागरिक हम भी तो भारत के नागरिक है, किसान है, स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी से जीना जानते हैं हम। अगर सरकार अहिंसा से न बैठ के हिंसात्मक, इस धरने ने हिंसात्मक रूप ले लिया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? गवर्नमेंट की, सरकार की। क्यों ऐसा? क्यों मालिक है वो देश का? नहीं, वो तो आपको कह रहे हैं कि जो कानूनों में संशोधन किया जाएगा आप मानने को तैयार नहीं, उसके बावजूद अभी हम झगड़ा करना ना चाहो। यानी कि आपका ये मुद्दा कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। वापस होने चाहिए। किसान जो 50 दिन हो गए आज किसान को बैठे हुए, और किसान का एक ही सवाल है, भाई ये वापस ले लो, हम अपने घरों चले जाएंगे। यहाँ से का जो किसान 50 दिन तक ठंड में फड़ा, और यहाँ का राजा का ये काम है कि यहाँ उसकी जनता यहाँ पड़ी रहे, जो है मखमल की कोठी में लौट रहे, और किसान यहाँ ठंड में पड़ा, तो किसान को कोई पीड़ा होगी, कोई परेशानी होगी, जीवित तो पड़े। अगर इसमें किसान को कुछ फायदा दिखता तो किसान क्यों अड़ता इस बात पे? किसान को फायदा नहीं चमक रहा, इसमें नुकसान ही नुकसान चमक रहा, तो फिर सरकार ऐसी ज़बरदस्ती क्यों कर रही है? हम तो इस कानून को लागू ही करेंगे भाई। हो सकता है सरकार की मजबूरी हो। नहीं, तो क्या मजबूरी है? वो मजबूरी बताओ, क्या मजबूरी? आपका कहना है कि अडानी अंबानी का पैसा लगा हुआ, आपका कहना है? हाँ, अडानी अंबानी जो है उन्हें खरीद रखे सब, ये वही ले जाएंगे सब। ये जमीन एक्वायर है, जमीन खरीदारी जो अडानी अंबानी के लिए चल रही थी पिछले एक या डेढ़ साल चल रही है, कानून लगभग 2 महीने पहले 3 महीने पहले आया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो सब उनकी चाल चल रही, पहले से गोदाम और सड़कें पहले से बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी, उन्हें पता था कि इस काम को हम करेंगे, तो पहले अपनी तैयारी तो करेगी सरकार, तो वे तो तैयारी में लग रहे थे। अंबानी अंडानी ने तो पहले ही अपने गोदाम बनाकर फिट कर दिए, और जी भी ये काले कानून लाए गए, क्या कोरोना में ही क्यों लाए गए ये? क्या सरकार को ये नहीं था कि किसान का भी कोई नुमाइंदा होना चाहिए इसमें, उनकी सलाह मशवरा होनी चाहिए? तो सरकार ने केवल जो कोरोना में कर दिया एकदम, इन्हें यह दिख रही थी कि कोरोना चल रहा, नहीं तो किसान इकट्ठा हो पाओगे बीमारी के कारण। लेकिन किसान को यह भी पता था कि बीमारी नहीं है, बीमारी होगी तो इनके पास में है, किसान के पास में बीमारी नहीं है या बताओ कोई, किसी किसान का अगर जो कोरोना पा रहा हो तो कोरोना के अंदर ही कोरोना का फायदा उठाते हुए ही इन्होंने ये इस कानून को लाए हैं। पर लेकिन किसान इसे मंजूर नहीं करेगा। किसान जब तक वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान भी वापसी नहीं होगा, जब तक यहीं रहेगा किसान। दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली के हर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर ले लो, सिंधु बॉर्डर या आपका गाजीपुर बॉर्डर, ये जो भी बॉर्डर है दिल्ली पर, दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, और लगभग 70 किसानों से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी भी सरकार की तरफ से उनके लिए कोई जो एक दुख की घड़ी के लिए एक ट्वीट भी नहीं आया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो उनसे ही पूछो भाई, उन्होंने जो 70 आदमी अब तक जो है इसमें आहुति दे चुके, ये तो उनकी सोच है, सरकार की सोच है, जबकि उन्होंने उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, दो शब्द उनके ऊपर बोलने चाहिए थे, नहीं बोले, वह उनकी मर्जी है। लेकिन अगर इन कानूनों को सरकार की मजबूरी है तो हमारी भी मजबूरी है इन कानूनों में चलने की, हमारी भी मजबूरी है, हम भी नहीं चलेंगे, हम भी नहीं मानते इन कानून। अभी मैंने 2 दिन पहले देखा है कि कुछ जो सिंधु बॉर्डर पर धरना हो रहा है वहाँ के कुछ गांव के लोग भी आपके खिलाफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो रोजी रोटी है उसमें बाधा आ रही है, हमारी जो मेडिकल सेवाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जरूरी, उसमें बाधाएं आ रही हैं। कोई बाधा नहीं आ रही, ये सब बकवास करे, कोई बाधा नहीं है। और आप जो बता रहे थे कि 70 आदमी शहीद हो गए यहाँ से, क्या और किसी ने कोई न प्रधानमंत्री की तरफ से, न अमित शाह की तरफ से, किसी सरकार की तरफ से कोई ट्वीट हुआ ही नहीं? उनका तो ट्वीट अडानी अंबानी का पोता हुआ था, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा व्हाट्सएप पे, जो है मास भी नहीं था प्रधानमंत्री जी का, तो
और वो उनका उनके पोते का तो पता लेने चले गए, पर लेकिन इन किसानों का पता लेने कोई नहीं आ रहा। अब क्यों, क्या उन्होंने ही वोट दी थी? क्या इस किसान ने वोट नहीं दी इनको जो सरकार बना के वहाँ सिक्का बैठाए हुए? सरकार तो किसान ने ही बनाई होगी, किसान ने वोट दिया तो इसकी कोई अहमियत नहीं रही और इसको खालिस्तानी पाकिस्तानी का दर्जा दिया जा रहा है। और तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस प्रधानमंत्री का भी दुर्भाग्य है। आपने देखा कि किसानों के अंदर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, लगभग 50 दिन होने के बावजूद भी सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा किसानों की बात सुनने के लिए नहीं आया। माननीय न्यायाधीश माननीय न्यायालय पे जो किसानों को एक भरोसा था कि हो सकता है वो हमारे हक में फैसला करेंगे, इस तीनों कानूनों को जो रद्द करेंगे, उसके बावजूद भी न्यायालय से वही आदेश आया जो सरकार चाहती है। यानी कि न्यायालय और सरकार की एक ही बात है, किसानों के मुताबिक एक ही बात है। और जो न्यायालय में 4 मेंबरों की कमेटी बनाई थी उसमें से भी कमेटी टूट चुकी है। तो किसान ये कह रहे हैं अगर कानूनों में कोई दिक्कत नहीं है तो जो माननीय 4 न्यायाधीश या 4 मेंबर बनाए थे उन्होंने भी अपने आप को पीछे ले लिया, उसके बावजूद भी सरकार किसी बात को झुकने को तैयार नहीं है और किसान अपनी जिद पर अड़े हैं या हटने को तैयार नहीं है। लगभग 26 जनवरी के प्रोग्राम की तैयारी ये किसान अपना चल रहे हैं, सरकार की तरफ से साफ लफ्जों में आश्वासन दिया जा रहा है और हिदायत दी जा रही है किसी भी किसान को दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। और उधर किसान कह रहे हैं कि हम किसी भी रूप में रुकने को तैयार नहीं है। कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ मैं डॉक्टर खलील पवार, दिल्ली न्यूज़, गाजियाबाद।